पड़ी और आपका आचार्य में स्वागत है। तो भाई आज एक बहुत ही खास दिन है, आप सबको पता है शाम का सबको इंतजार है क्या होने वाला है आज मौसम। आज वर्ल्ड कप फाइनल है, बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप है और उसी से रिलेटेड वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। टाइटल क्या बताएंगे, मौसम। क्या धोनी के बाद ट्रॉफी उठाने वाले कप्तान बनेंगे रोहित शर्मा, इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप, आरजे रौनक भाई आज सारा दिल तक बिल्कुल बनेंगे, मैं कहूंगी बिल्कुल बनेंगे। हम लोग यही दुआ कर रहे हैं, ऑक्सीजन मशीनें पास रख ले, दिलों को थाम ले क्योंकि आज रात फाइनल है। बिल्कुल, वैसे दिल सबके बहुत धक धक कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन खैर अभी पहले वीडियो देखते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या जानकारी दी गई है और फिर उसके बाद बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को, उसके अलावा हम लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अच्छा, दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स के, किसी भी देश के और किसी भी टीम के फैंस ऐसे नहीं होंगे जैसे भारतीय क्रिकेट फैंस, मगर क्यों। हेलो, मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र, और अगर फाइनल में पहुंचने के बाद भी खुश नहीं हो तो इंडियन क्रिकेट फैन हो तुम। अगर सब टीमों से एक तरफा जीतने के बाद भी डर लग रहा है तो इंडियन क्रिकेट फैन हो तुम। अगर टूर्नामेंट की बेस्ट टीम होने के बावजूद नर्वसनेस से चिरी फटी की जय हो रखी है तो इंडियन क्रिकेट फैन हो तुम। मतलब कमाल की बात है यार, हर टीम को बिना भेदभाव किए पेला है, अमेरिका हो या पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड, सबके सब पेट के बल सो रहे हैं क्योंकि वैसे तो सूजी है, लेकिन फिर भी मेरे मन को इतना धक धक हो रहा है क्योंकि 19 नवंबर के जख्म अभी भरे नहीं है। और 19 नवंबर क्या, 2014 के बाद से हमको अभी तक सिर्फ दुख के पर्यायवाची ही मिले हैं, लेकिन अब की बार एक अलग उम्मीद है। दिल और दिमाग दोनों एक साथ बोल रहे हैं कि यार साउथ अफ्रीका से तो फाइनल नहीं हारेंगे, वो साउथ अफ्रीका जो अफगानिस्तान के खिलाफ और किसी मैच में बेस्ट नहीं दिखी, नीदरलैंड हो या फिर नेपाल या फिर बांग्लादेश, सबसे लड़कर मैच जीता उन्होंने। साउथ अफ्रीका भले ही मुश्किल से जीती हो लेकिन आप माई 11 सर्कल ऐप पर आसानी से जीत सकते हो क्योंकि आज है वर्ल्ड कप का मेगा फाइनल और इस फाइनल के मेगा कॉन्टेस्ट में आपको माई 11 सर्कल ऐप दे रहा है 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका। अब देखो 1 करोड़ तो आपको हर मैच में जीतने का मौका मिलेगा और इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन पब्लिक डिमांड पर हम एक ऑफर लेकर वापस आए हैं, एक ऐसा ऑफर जो आपको फैंटेसी की दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये काम सिर्फ माई 11 सर्कल ऐप वाले करते हैं क्योंकि वो बेस्ट हैं। अब आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल है और आपको पता है कि अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट जीत जाते हो तो करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोकेगा, इसलिए आपके पास ये मौका सिर्फ 1 रुपए में है। जी हाँ, ऐप डाउनलोड करने पर और रजिस्टर करके 1 घंटे के अंदर मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने पर एंट्री फीस सिर्फ 1 रुपए होगी और 5 टीम के साथ आप एंट्री फीस 5 रुपए में कर सकते हो और 5 मौके आपको मिलेंगे करोड़पति बनने के। जल्दी से 5 अलग अलग टीम बनाओ, 1 टीम बनाकर मैं भी वीडियो के एंड में आपको हेल्प करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा कूपन कोड लगा के 20% एक्स्ट्रा रियल कैश और 1500 का ज्वाइनिंग बोनस भी पाओ। वीडियो में आगे आओ। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि धोनी भाई के बाद अब फाइनली कोई दूसरा कप्तान आईसीसी ट्रॉफी उठा लेगा और सच बताऊं तो रोहित भाई डिजर्विंग भी हैं। बल्लेबाजी में उनका कमाल सभी ने देखा है, हम सब ने देखा है कि वो अभी तक इंडिया के बेस्ट बल्लेबाज साबित हुए हैं और वो भी तब जब सबसे ज्यादा जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर तो रोहित शर्मा चमके ही। मेरे बदन में देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का उनकी कप्तानी देखकर भी हुआ है। याद है वो दिन जब इंडिया की टीम अनाउंस हुई थी और वर्ल्ड कप के लिए और रिंकू उसमें नहीं थे, सबके सब रोहित शर्मा, अजीत अगरकर और राहुल द्रविड़ के खिलाफ हो गए थे, उसमें मैं भी शामिल था, लेकिन रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया था कि रिंकू सिंह को इस टीम में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उन्हें इस टीम में 4 स्पिनर्स चाहिए। रोहित ने आगे कहा कि क्यों चाहिए 4 स्पिनर, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। रोहित भाई मत बताओ, हम समझ गए कि आप महान हो, बुद्धिमान हो, सर्वशक्तिमान हो, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष हैं। और महापुरुषों को ट्रॉफी जीतनी ही चाहिए। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट करके लिखो लव यू हिटमैन। बाकी ये ट्रॉफी इसलिए भी जीतना जरूरी है क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को हम T20 इंटरनेशनल में आखिरी बार देखने वाले हैं। हालांकि ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये क्लियर है कि रोहित और कोहली शायद अभी फॉर्मेट न खेलें, जिसमें ऑलरेडी ये डिमांड होने लगी है कि यंग लोगों को मौका मिलना चाहिए। मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले जब टीम इंडिया 2014 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ खेली थी तो वो मैच श्रीलंका के लेजेंड कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने का लास्ट T20 इंटरनेशनल था। श्रीलंका वालों ने अपने 2 लेजेंड्स को बेहतरीन विदाई देने के लिए ये टूर्नामेंट जीता था, हमें तो अपने 3 लेजेंड्स को विदाई देनी है क्योंकि रोहित और कोहली के साथ साथ राहुल द्रविड़ का भी आखिरी कोचिंग असाइनमेंट होने वाला है और इसके बाद शायद वो आपको क्रिकेट में कमेंटेटर के अलावा और किसी कैपेसिटी में न दिखे। तो टीम इंडिया कर दो चढ़ाई, अफ्रीका वालों को दिखा दो कि दिस टाइम फॉर अफ्रीका सिर्फ शकीरा का एक गाना है, उसका इस टूर्नामेंट से कोई लेना देना नहीं है। बाकी एक बात याद रखना कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, जीत जाओगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हारोगे तो कम नहीं होगा। हाँ, एक और टूर्नामेंट हारने से जो मेंटल ट्रॉमा मिलेगा उसकी भरपाई
बस लंबी हो जाती है। लेकिन आप हमारी मत सोचो, आप अपना देखो और हो सके तो कोई टेंशन मत लेना, एक तरफा हरा देना उनको। बाकी वेस्ट इंडीज से आने के बाद आपके भव्य स्वागत की तैयारी हम कर लेंगे। इसी तरह आपके गली मोहल्ले और रिश्तेदारों में होगा आपका स्वागत अगर आप माई इलेवन सर्कल ऐप पर जीत जाएंगे 1 करोड़ का ग्रैंड प्राइज। लेकिन उसके लिए आपको टीम बनानी होगी बढ़िया सी। एक टीम सैंपल बनाकर देता हूँ, चाहिए तो सेम टीम कॉपी करना। विकेट कीपर है क्लासन पंत और क्विंटन डिकॉक। बल्लेबाजी करेंगे रोहित, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। ऑलराउंडर है पंड्या, अक्षर पटेल और यानसेन। गेंदबाजी करेंगे रबाड़ा और बुमराह। मेरी मानो तो आज कोहली को कैप्टन बना दो और उपकप्तान रखने के लिए हार्दिक पंड्या को चुन लेना। लेकिन इन सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना और 1500 का ज्वाइनिंग बोनस पाना, डिस्क्रिप्शन में जाना। और याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी हम आपसे मिलेंगे कल। आज का खेल ये डिसाइड करेगा कि हमारे अगले साल तक की मेंटल हेल्थ कैसे रहने वाली है। संभाल लेना रोहित भैया, संभाल लेना। आप लोग भी चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद। भाई आज है भाई T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है, लास्ट मैच है, शाम को पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमारी जो नेक तमन्ना है ना, वो इंडियन टीम के साथ है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हम जो ना साउथ एशिया में रहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो भाई इस वजह से हमारी जो फीलिंग्स हैं भाई वो इंडियन टीम की रहते हैं। मेरा कहना है कि भाई जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशिया के ना, वो सारे स्पोर्ट कुछ होते हैं जो बाकी नहीं करते। लेकिन इस बार जो है ना, मुझे एक चीज़ देखने को मेरे सोशल मीडिया पे, खासतौर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना, वो सनी शर्ट पहन के इंडिया टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है, लेकिन रात को मेरे सामने 5-6 रील्स आई हैं। हाँ, वो कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है, बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे इंडियन टीम अच्छी लगती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं आप अपनी टीम को क्यों नहीं सपोर्ट करती और आप इंडियन टीम को क्यों सपोर्ट करते हैं। भी नहीं, नहीं, बात पहुंचने की नहीं है। देखो, अगर कोई टीम अच्छा खेलेगी आपको उसकी गेम देखने का मजा आता है। अब ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान की बात करें और उसके साथ फिर इंडिया की हम लोग बात करें, तो आपका जो एक कनेक्शन अभी बॉन्डिंग है वो आपको ज्यादा फील होती है। सो मुझे इंडियन प्लेयर्स की गेम देखने का बहुत मजा आता है, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रेशर में खेलते हैं या वो एक भी चांस जो है वो उसमें से निकाल कर डोमिनेट हो जाते हैं, गेम को डोमिनेट करना शुरू हो जाते हैं, मुझे वो चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग पाकिस्तानी गेम को देखें तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और सेम वो ही गलतियां वो मतलब करते हुए आ रहे हैं। कोई उसमें आपको ना आपका लोग रद्दो बदल नजर नहीं आया, वही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत डिफरेंट हो जाना और बिल्कुल मैजिक गिव अप कर देना, और मुझे इंडियन टीम में गिव अप करना नजर नहीं आता, ये चीज मुझे एक और चीज देखें, जब 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 पाकिस्तानी भाई टीम अच्छा परफॉर्म करती है, हम कहते हैं कि हाँ भाई आज उन्होंने वो एक टाकरे की टक्कर जो होती है उसे कहते हैं वो दिए, इवन की कई बार लेकिन ऐसा बड़ा रेयर जो ट्रॉफी भी जीती है तो भाई अप्रिशिएट जो है वो किया जाता है। लेकिन जो है भाई फिर जब आप एक ट्रॉफी जीत के लगातार आपको कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं ना आती, तो लिटरली आप जो है ना फ्रस्ट्रेट होते हैं कि भाई क्या हम इतने टाइम से सिर्फ हारने के लिए देख रहे हैं, कोई एक मैच ही जीत जाए, किसी से भी जीत जाए। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा भाई, बजाय इसके आप चौथे मोहल्ले जो टीम बैठी है ना उसके बजाय ना आपको जो आंट गुआंड की टीमें है ना, आपको उन्हें जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अब एक ऐसा टाइम आ चुका हुआ है ना जहाँ पर आपको गेम से प्यार होता है, आप अच्छी गेम देखना चाहते हैं। इसमें कोई नहीं होता कि टीम आपकी कंट्री की है या नहीं है या फिर वो किसी वेस्टर्न कंट्री की है। मुझे लगता है कि ना गेम को गेम की तरह लेना चाहिए। आज हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं क्योंकि हम लोग इस चीज में बहुत ज्यादा पड़ गए हैं। वर्ल्ड कप की भाई मैं बात करूं, ऑनेस्टली बोलूं, थोड़ा दिल नो डाउट थोड़ा धक धक कर रहा है और मैं बहुत ज्यादा बात नहीं इसके बारे में करना चाहती, क्योंकि मैं ये चाहती कि बस हमारे पास रात को एक अच्छी खुशखबरी जो है वो हम लोगों को सुनने को मिले। क्योंकि सीरियसली रोहित शर्मा डिजर्व करते हैं। लास्ट टाइम पर भी जब हम लोगों ने देखा था मैच, वर्ल्ड कप हुआ था लाइक इंडिया में ही हुआ था, तो उस टाइम पर भी देखो इंडिया नॉनस्टॉप जीतती हुई फाइनल्स तक पहुंची थी, ठीक है ना। और फाइनल्स में आकर जिस तरीके से मतलब एक सबको दुख हुआ था, ठीक है, बट मैं फिर भी बोलूंगी कि फिर भी आपको एक हार्डवर्क नजर आता है टीम को, आपको टीम को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पर इस मरतबा भी अगर हम देखें तो लगातार इंडिया टीम जो है वो जीती हुई आ रही है। टच वुड मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज भी वो बहुत अच्छे तरीके से खेले, और बहुत मैं ये बात करूंगी कि जो साउथ अफ्रीका है वो अक्सर मैच जो है ना, मतलब जो बड़े इंपॉर्टेंट मैच होते हैं उसमें वो काफ़ी अजीब सा वो खेल जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल टीम को लाइटली नहीं लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा सीरियस होकर जिस तरह कॉन्फिडेंस के साथ वो जो हमें इंडियन टीम में नज़र आता है उसी स्पिरिट के साथ खेलना भाई चाहिए। आज 20 टाइम तो जो है वो मीटिंग हो रही होगी सारों की, भाई क्या करना है, किस तरह करना है, क्या प्लानिंग रहेगी, हो रही होगी भी बातचीत आपस में कर रहे होंगे। लेकिन आज के मैच में ना
कुछ उदासी की चीजें भी जो है, जैसे मैंने जो है कल रात को ये देखा था, जो विराट सर हैं उन्होंने जो है ट्वीट की थी कि ये उनका लास्ट जो है वो T20 जो है वो होगा, T20 से वो रिटायरमेंट जो है वो ले रहे हैं, और रोहित शर्मा का जो है वो मुझे आज पता चल रहा है, अभी पता चल रहा है कि वो भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। हाँ वैसे ये थोड़ा सा, और फिर मुझे तो राहुल द्रविड़ का भी सीरियसली, क्योंकि वो भी मुझे बहुत पसंद है। वो तो एक कोच है ना यार, क्रिकेट से बहुत ही शांत और बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, मुझे बड़ा अच्छा। क्रिकेट से तो बहुत देर की रिटायरमेंट जो है वो ले चुके हैं, बिल्कुल। तो मैं अब जो है जो अभी दो एक्टिव प्लेयर्स हैं भाई वो रिटायरमेंट ले रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से, तो वाकई भाई ये जरा एक वो आपको करती है, क्योंकि इसके बाद जो है लंग पता है एक ही सर्टेन एज आती है, उसके बाद जो है आप हर जगह से रिटायरमेंट जो है वो लेते जाते हैं। पता है वैसे मुझे, मेरे साथ थोड़ा ऐसा होता है कि लाइक अगर जैसे अभी मैं इंडियन टीम को देखती हूँ तो नो डाउट रोहित शर्मा, विराट कोहली हो गए, स्काई हो गए, जैसे पहले MS धोनी थे, तो जब कोई बंदा ना टीम से ऐसे जिसके साथ आप आपके फेवरेट होते हैं ना वो टीम से निकलता है ना, तो आपका थोड़ी देर के लिए दिल जो है वो थोड़ा यू नो बुझ जाता है, बिल्कुल। और फिर जो नई टीम होती है ना उसके साथ एक बॉन्डिंग बनाने में आपको थोड़ा टाइम भी लगता है, मतलब मेरे साथ ऐसा होता, बिल्कुल है। ऐसा होता है, लेकिन इसके देखें बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, जो नए प्लेयर्स आगे से आ रहे हैं उनको जो है वो चांसेस जो है वो मिल रहे हैं। ये ही कुदरत का कानून है, किसी ने आना है और किसी ने जाना है, बिल्कुल। और जो है भाई एक और चीज जो जैसे बीच में वो उन्होंने जब टीम सेलेक्ट की तो उन्हें जो है वो तनकीद का जो है वो निशाना बनाया गया, तो मेरा ख्याल है भाई कैप्टन जो अच्छा कैप्टन होता है ना वो उसे पता होता है कि भाई चीजें जो है ना वो किस तरह हैंडल करनी है, कैसे वो लेकर चलनी है। इवन कि जब आप उनके इंटरव्यूज जो मैच के बाद या मैच से अलावा कहीं पर होते हैं, तो मैंने रोहित शर्मा जो है उनके एक दो सुनी है स्पीचेस, जिनमें एक एक दो दो मिनट के क्लिप काट कर जो है वो लगाए, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सिचुएशन का जवाब कर रहे होते हैं, बिल्कुल। और मैं ये बात बोलूंगी कि जो उस फील्ड में होता है और अगर वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी टीम को लेकर चल रहा होता है, मतलब बाकी हमारे जैसे जो लोग होते हैं डेफिनेटली वो उनकी अपनी परसेप्शन होती है जिस बेस पर वो बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो उस फील्ड में होता है उसकी अपनी एक अलग से सोच होती है और उसको बेहतर पता होता है कि किस तरह से चीजें लेकर चलनी होती है। और मुझे लगता है कि ये बेस्ट तरीका होता है कि चाहे बाहर से जो मर्जी कुछ बोलता रहे, लेकिन आपने जो परफॉर्म करके दिखाना आपने उस चीज का जवाब खुद ही दे दिया होता है, तो आपको अल्फाज जो है वो बयान नहीं करने, बिल्कुल। और इसके बाद जो है भाई चैंपियन ट्रॉफी जो है वो स्टार्ट हो जानी है, तो जो है मैं सोशल मीडिया पर एक और चीज आजकल बहुत देख रहा हूं, लोग कह रहे हैं इंडियन टीम पाकिस्तान ने बेशक हमें हरा के ट्रॉफी ले जाए लेकिन पाकिस्तान जो है वो जरूर है, लेकिन मैं कहूंगा खुदा रहा पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं कुछ वो जरा सेंसिबल जो है वो जो है ना अपने बयान आज जो है वो दिया करें, क्योंकि भाई जो है ना बहुत ही चीजें जो है मैटर करती हैं। वेल गाइस इसके बारे में तो मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती क्योंकि हम लोग बड़े टाइम से यही देखते आए कि वो सेंसिबल नहीं हुए, दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई है। खैर आज के लिए तो हम कहेंगे कि भाई टीम ब्लू को हम लोग बोलना चाहेंगे कि भाई जी जान से मेहनत करो और जीत जाओ, और सीरियसली बहुत ज्यादा इंतजार है उन पलों का कुछ टाइम के बाद, बस कुछ ना कुछ बनी काफी टाइम पड़ा मैच में, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने भी बहुत सारे काम करने हैं। सो हम लोग इंतजार करेंगे आपका व्लॉग्स में, और व्लॉग भी जरूर बनाएंगे आज का, तो जाकर ब्लॉगिंग चैनल पर जरूर देखना, कल जल्दी आए व्लॉग। हाँ, और ये भी कोशिश करेंगे कि हम जल्दी ब्लॉग डालें। सो आप जरूर बताइएगा भाई आपके दिल की क्या धड़कने हैं, सिचुएशन क्या है, जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, और इसी साथ गुड बाय।